अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। BANM रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो की धूम, सस्ते घरों के लिए उमड़े ग्राहक, नवी मुंबई में रियल एस्टेट कारोबार को बूम। अफोर्डेबल हाउसिंग को शोकेस करने पनवेल के खांदेश्वर रेलवे स्टेशन पर आयोजित BANM रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो सस्ते घरों के लिए यादगार बन रहा है। रविवार को तीसरे दिन यहां 15,000 से अधिक ग्राहकों और आगंतुकों ने प्रदर्शनी स्थल पर भेंट दी और मनचाही संपत्तियों को देखा और साइट विजिट भी किया। क्रेडाई इंडिया के उपाध्यक्ष शांतिलाल कटारिया ने भी प्रॉपर्टी एक्सपो में भेंट दी और आम लोगों के घर का सपना पूरा करने वाली अफोर्डेबल मकानों की पेशकश की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी के हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन को भी पूरा करने का जरिया बताया। मुझे शौक है एग्जीबिशन का, क्योंकि मेरी राय से एग्जीबिशन के अंदर ग्राहक का बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होता है। एक तो कॉम्पिटिशन की जो दरें रहती है, जो रेट रहते हैं, वो तुरंत वहाँ देख सकते हैं। डेवलपर्स को मिल सकता है, जो लोग कहते हैं कि भाई डेवलपर्स मिलते ही नहीं है, वो लोग आसानी से यहाँ मिलते हैं। आपको कंपेयर करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी का हो तो एग्जीबिशन में परचेसर का है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी परचेसर ने कोई भी एग्जीबिशन छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर टू, करीबन मैं हर साल लगातार 6 साल से 12 से 13, मतलब आज तक 70 एग्जीबिशन मैं घूम चुका हूँ। यहाँ तक कि न्यू बॉम्बे के भी 2 एग्जीबिशन कर चुका हूँ। पर इतना हौसला, इतना एनर्जेटिक एग्जीबिशन मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा है। और मैं क्रेडाई रायगढ़ को इसका पूरा पूरा श्रेय दूंगा कि उन्होंने उन डेवलपर के प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए जो कॉमन पब्लिक के माइंड के अंदर है। जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग हमेशा शायद कहते हो कि भाई आप बजट होम करते ही नहीं हो। 15%-60% सरकारची आपणाला मदत मिळू शकते, ज्यामध्ये न डेव्हलपरचं नुकसान आहे न परचेसरचं नुकसान आहे। आणि प्रधानमंत्री आवास योजना हे सक्सेस होण्याचं कारणच हे आहे की ही योजना डेव्हलपरच करू शकतात। ही योजना शासकीय लोकांना करता येणं अशक्य आहे, त्यांनी जरूर केलं पाहिजे। परंतु डेव्हलपरना जर तुम्ही काही सवलती दिल्या, ज्या आम्ही लोकांना सांगितलं की सर आपण परचेसरला सवलत द्या, आता बजेट येत आहे, त्या बजेटमध्ये देखील आम्ही ही मागणी केलेली आहे की हे प्रधानमंत्री आवास योजनेचं अनुदान आहे 2,67,000 रुपये, ते तुम्ही 5,00,000 रुपये करा, जेणेकरून आणखी मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना घर घेते। वहीं BANM क्रेडाई रायगढ़ यूनिट के कोऑर्डिनेटर मनसुख भाई पटेल ने कहा कि पनवेल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार हो रही है, इसीलिए हमने यहां प्रॉपर्टी प्रदर्शनी आयोजित की। 3 दिनों में यहां एक्सपो को बेहतरीन रिस्पांस मिला है, अच्छा कारोबार भी हुआ है, आखिरी दिन भी उम्मीद भरा होगा जो आगे बिजनेस कन्वर्जन में उपयोगी होगा। हम लोग ने जो टारगेट के हिसाब से यहाँ के अफोर्डेबल हिसाब से जो रखा था, तो पब्लिक इतना खुश हो गई है कि यहाँ पे जो हमने उनके बजट के हिसाब से फ्लैट रखे थे, तो ऑलमोस्ट आज 3 दिन हुआ और 3 दिन के अंदर हमारा 100 फ्लैट्स के बुकिंग करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। और दूसरा, जैसे फर्स्ट डे फ्राइडे था, वर्किंग डे था, फिर भी उस टाइम पे भी हमको पब्लिक का फुटफॉल उतना अच्छा मिला। और आज थर्ड सैटरडे संडे है, तो पब्लिक इतना कंटिन्यू चलती ही रहती है हमारे। और यहाँ पे जो पब्लिक का डिमांड था कि उनको अफोर्डेबल में सब एमिनिटीज के साथ फ्लैट मिले, तो उस हिसाब से उनको काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिला। और पब्लिक ने यहाँ पे ऑन द स्पॉट बुकिंग भी करवा दिया, 100 से ऊपर बुकिंग हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं तीसरे दिन पे। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स लग रहा है। अभी अभी आपने देखा लोग टोकन पे टोकन लेके आ रहे हैं, यहाँ पे करीबन 100 के आजू बाजू विथ चेक फिजिकल बुकिंग करके गए हैं। अभी और 20-25 की उम्मीद है आज और कल के बीच में, 125 तो मिनिमम क्रॉस हो जाएगा। और काफ़ी एग्जीबिशन आप उन्होंने देखे, ऐसा माहौल काफ़ी कम देखने को मिलता है जो चेक के साथ टोकन के साथ जो डील्स हो रही है। नॉर्मली यहाँ आते हैं लोग, बाद में जाके डिसाइड करके फिर टोकन देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है नज़ारा। वी आर हैप्पी विद डैट।
का जो डिमांड है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का ही काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है रफली 90% अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, और 10 लाख से लेके 25, 30, 35 तक काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, और इसकी डिमांड बहुत काफ़ी है, और यहाँ पे जितने भी बिल्डर है वो जेन्यून है, जेन्यूनली काम चल रहा है, रेरा में रजिस्टर है, प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवरी दिए हुए हैं, और आगे उनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और लोग खुशी खुशी उनसे ले रहे हैं, और काफी दोनों तरफ से खुशी खुशी हो रहा है काम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।